अब तक आपने देखा? मैं भूत नहीं हूँ, मैं भग्गू भगवान दास। हर महीने की 27 को हमारे यहाँ का राशन खत्म हो जाता है। खन्ना साहब के यहाँ जैसा नहीं है। टीटू के अंडरवेयर क्यों गिर रहे? टीटू के अंडरवेयर का लास्टिक खराब है सर। U R 5। हेलो भाई साहब, पत्थर क्यों मार रहे हो यहाँ? आपसे मतलब? देखिए भाई साहब, इस पेड़ के पीछे मेरा घर है। आप कौन हैं? मैं शिवाय। आप शिवाय हो ही नहीं सकते, पता है वो ऐसे नहीं दिखते। कोई जादूगर है क्या? या मेरे मन का वहम है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जैसा जैसा बोल रहा हूं आप वैसे वैसे होते जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान दास, मेरा तो कोई आकार नहीं। जैसा तुमने सोचा मैं वैसा। तुमने छाल पहनाई तो मैंने पहन ली। किसी ने मुझे धोती दी तो मैंने धोती पहन ली। किसी ने आभूषणों से सजाया तो मैं सज गया। किसी ने मुझे भभूति लगाई तो मैं उसमें रम गया। हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प और माथे पे चंदन, सब तुमने दिया है। मेरा तो कोई आकार ही नहीं। जैसा तुम सोचो मैं वैसा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाई साहब देखिए, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मैं आपके लपेटे में आने वाला नहीं। और भाई साहब, अगर आपको शिव शंकर की एक्टिंग करनी हो ना, तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, जानकारी होना चाहिए, नॉलेज। ही इज वेरी लर्नेड गॉड, बिग गॉड, यू नो। और आप ऐसे उनके कपड़े पहनकर घूमेंगे ना, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। और गुस्से में अगर उनकी तीसरी आंख खुल गई तो फिर तो अरे तीसरी आंख कहाँ है आपकी? बमशी। देखा, पकड़े गए ना। ये क्या था भाई? लगता है तूफान आने वाला है। बॉबी, आई एम कमिंग। देयर इज समथिंग डेंजरस हैपनिंग। ओह माय गॉड, तो लाखों भाई। हाँ, जा रहे हो भगवान दास? अबे यार, तुम क्या हो यार? और ये क्या था? कुछ नहीं भगवान दास, मेरी तीसरी आंख जरा सी छपक गई थी और कुछ नहीं। देखिए भाई साहब, अगर आप कोई भूत भूत हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा आप में कोई विश्वास नहीं है। मैं भूत नहीं, भूत नाथ हूं। किंग ऑफ घोस्ट भाई साहब, आप मुझे डरा रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि
मैं आपसे बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि भूत पिशाच निकट रही आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट रही आवे, महावीर महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे जब पीरा, जब पत्नी रहते धन मत बीरा, ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे हर तरफ क्यों दिखाई दे रहे हो? संकट पे हनुमान चढ़ावे कैसे हो रहा है ये? मैं हर तरफ नहीं हूँ भगवान दास, मैं तो तुम्हारी आंखों में हूँ, क्योंकि मैं तुझमें ही हूँ भगवान दास। और तुम मुझमें हो भगवान दास, क्योंकि भगवान दास मैं तुम हूँ और तुम मैं। I can't handle so many people, boss. Try to understand. मैं दिल का मरीज हूँ भाई, प्लीज एक एक करके बात कीजिए मुझसे। भगवान दास मैं तो तुम्हारे सामने अकेला खड़ा हूँ। नहीं लेकिन अब बोलो भगवान दास, क्या कहना चाहोगे? अगर एक मिनट के लिए मान लिया है, यदि आप भगवान हैं, तो ये जींस विंस पहनकर हमारे जैसे मतलब आम इंसानों की तरह कपड़े पहनकर क्यों? नहीं और फिर त्रिशूल की जगह छाता लेकर क्यों घूमते हैं? बहुत सवाल करते हो तुम चौबे। चौबे? भगवान दास से चौबे पर आ गया, अभी बेपर आएगा। क्या? नहीं कुछ नहीं, वो आपने बात को घुमा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा भगवान दास, पहले चाय तो पिला दो यार। यार हाँ। ए भाई साहब, ओ हाँ दो चाय। दो चाय? हाँ दो दो। लीजिए लीजिए, बस इनको दो। इनको? इन भाई साहब को। इन भाई साहब को? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे अरे ये नीली जैकेट पहनकर बैठे हैं, इनको भाई दो ना। भाई साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ भाई? ये हट्टा कट्टा आदमी बैठा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? भगवान दास ये मुझे नहीं देख सकता। भाई साहब लीजिए लीजिए। भगवान दास मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता। अब देख क्या रहे हो? चाय नहीं पिलाओगे? क्या हुआ कन्हैया? ताना ही कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा रहा है। क्यों क्या हुआ? क्या कह रहा है? अरे नीली जैकेट वाले को चाय दो, जबकि वहां कोई है ही नहीं। चाय अच्छी है। अरे तुम खड़े क्यों? बैठो। नहीं मैं ठीक। बैठो। बोला ना शिवाय, शंकर शंभू महादेव भूतनाथ त्रिकाल मलंग रुद्र, जो चाहे वो कहे। तेरे हर रूप में मैं हूं भगवान दास, तुझमें भी मैं मुझमें भी मैं, पाप भी मैं पुण्य भी मैं, कर्म भी मैं फल भी मैं, मुश्किल भी मैं फल भी मैं, तेरे जीवन का पहले से लेकर अंतिम अध्याय मैं शिवाय शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि हरि, 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 ओम नमः शिवाय हरि हरि।
ओम नमः शिवाय हरि हरि ओम नमः शिवाय हरि हरि ओम नमः शिवाय हरि हरि ओम। आप उठो भगवान दास, उठो। भगवान तो तुम, मैं तो शिवाय हूं। मुझे शिवाय कहकर पुकारो। शिवाय, आप नहीं, तुम। खुद से कोई आप कह के बात करता है? तुम, आप नहीं, मैं। दरअसल मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा। बताओ क्या समझना चाहते हो? ये भगवान के आप मेरे पास क्यों आए? मतलब मैं तो इतनी पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ आपकी। हाँ, मेरी पत्नी बहुत पूजा करती है आपकी। बहुत जोर जोर से करती है, उससे कहना मैं बहरा नहीं। मैंने कई बार समझाया, मानती नहीं है। अब फिर पत्नियों का तो आपको पता ही है, मतलब एक्सपीरियंस होगा ही ना। हाँ भगवान दास। भगवान, आप मुझे क्यों मिले? मतलब मुझे ही क्यों? आई एम वेरी सिंपल मैन भगवान दास चौबे, वर्किंग इन टीटू अंडरवियर बनियान, इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं। आई मीन व्हाई मी? भगवान दास, तुम्हें पता है इस धरती पर मेरी सबसे सुंदर रचना क्या है? क्या? इंसान। और उससे भी सुंदर रचना है ईमानदार इंसान, यानी तुम। जानते हो मुझे तुम क्यों पसंद हो? Why? क्योंकि तुम किसी का दिया दर्द उसे दर्द के रूप में नहीं लौटाते, किसी का दिया दुख उसे दुख के रूप में नहीं लौटाते। तुम्हारी बीवी चाहे कितने भी ताने मारे, तुम्हारा बॉस कालिया, कालिया नाम है ना उसका, तुम्हें कितने भी गालियां बकले, लेकिन तुम सारा गुस्सा इस पेड़ पर निकालते हो और अपनी बीवी के लिए गजरा लेकर जाते हो। इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो भगवान दास। मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूं। दोस्त? मतलब मैं? हाँ, और मैं ये कहने आया हूं कि अब चिंता छोड़ दो भगवान दास, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब तुम, आप मेरी मदद करने आए हैं ना? मदद? हाँ? भगवान दास, अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे चुटकी बजाते ही यहाँ नोटों की बारिश हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। मुझे जादू नहीं आता, मैं तुम्हारा हौसला हूँ, हिम्मत हूँ, ईमानदारी हूँ, सच्चाई हूँ, और मैं तुम्हारे साथ। पर उससे क्या फायदा होगा तुम्हें? तुम बड़े बेवकूफ इंसान हो यार। यहाँ मंदिर में लोग मेरे आगे आके नाक रगड़ते हैं कि भगवान मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना, और यहाँ मैं खुद तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम नाटक कर रहे हो यार। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, पागल हूँ ना मैं। इट्स ओके भगवान दास, याद रखना अब जब जब तेरे जीवन में कोई दुविधा होगी, कोई संकट आएगा, तो तेरे सामने दो रास्ते होंगे, हर प्रश्न के दो उत्तर होंगे, एक सही एक गलत, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा, तो तुम मुझे पहले से ही बता दोगे कि सही क्या है, है ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा भगवान दास। Why? लेकिन मैं तुम्हारे अंदर से एक बात जरूर बोलूं, वो मेरी आवाज है, उसे सुनना। तेरी अंतर आत्मा की आवाज, वो मैं। यदि तूने सुना तो तेरा भला, और तूने ना सुना तो भी तेरा भला। अब मैं चला। शिवाय, थोड़ी देर रुकिए ना। और भी लोग हैं भगवान दास, और फिर मुझे अपने भी घर जाना है। हम दोबारा मिलेंगे ना? अवश्य मिलेंगे। मैंने तुमसे दोस्ती की, जब भी मुझे सच्चे मन से पुकारोगे मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। अच्छा अब जल्दी घर जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें ताने सुनाने के लिए इंतजार कर रही है। शिवाय, शिवाय, एक मिनट। शिवाय, शिवाय,
देखो, अकेले अकेले बड़बड़ा रहा है बेचारा। जय बजरंग बली। और पंडित जी, आपकी पत्नी भाग गई थी, वापस आई या नहीं आई? अभी तक तो नहीं आई दरोगा जी। चलो अच्छा है। हेलो, हाँ हाँ लेते आएंगे। लौकी नरम कोरी करारी, ताजी हरी करारी, सब्जी। अबे सब्जी बेहोश हो गई क्या? नहीं दरोगा जी। कितना पानी का छलक रहे हो उसपे? अच्छा सुनो, अगर होश में आ गई हो तो 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, 2 किलो टमाटर, साथ में धनिया, थोड़ी मिर्चा डाल देना, ठीक है? और ये पत्ता गोभी भी रख देना उसमें। सुनो, जैसे क्या कहते हैं, ये सुसुरा आ जो आई अभी, ठीक है? अच्छा ठीक है, इसका क्या करेंगे? हाँ ठीक, चलो पहुंचा देना घर। दरोगा जी, काय बे? पैसे? अरे इतना डर के काय को मांग रहे हो बे? नहीं, अरे कोई कर्जा मांग रहे हो क्या है? अरे तुम्हारा भी पैसा है। अरे भाई साहब, किसके पैसे हैं ये बताओ? अरे इसके, अरे इसके तो इतना काय डरने की बात है? अच्छा सुनो, कल आ जाना, थाने में ले जाना, ठीक है? थाने? अबे तू इतना घबरा काय रहे हो? दरोगा जी है, शरीफ आदमी, थाने से ले आना कल जाके। अरे भाई साहब, गए थे एक बार पैसे लेने के लिए, इन्होंने वापस आने के भी पैसे ले लिए। बॉबे, अरे बॉबे, अरे देखो कौन आया, जीजा आए हैं। मासा जी नमस्ते, खाओ पूरी कस से मुझे आपकी भी और दो ना। ये लो बेटा है, और सुनो इसको लेकर बाहर मत जाना बेटा, घर में खेलना, चलो खेलो। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते। मम्मी देखो, बबलू ने फिर से मौसा जी की रिवॉल्वर ले ली। अरे जीजा, ये लो बॉबी, ये लो। हर बार इतनी महंगी महंगी सब्जियां लाते हो बॉबी, तुम तो जानती होगे भाई, किसी के यहाँ खाली हाथ जाना और वहाँ से खाली पेट लौटना भाई शोभा नहीं देता। फुर्सत मिल गई चोरों चक्कों से। चोरों चक्के नहीं, नेताजी का ड्यूटी लगी थी। अच्छा। अरे बात तो एक ही है बेटा गोबर। ओहो चाचा जी, चाचा जी गोबर मत कहा करिए, क्योंकि जब आप गोबर कहते हैं ना, अजीब सी भावना चाहती है। बेटा गोबर, हम तुम्हें चाहे जो कुछ भी कहें, मगर भावनाएं वही जागेंगी। कब संन्यास ले रहे हैं ये? पापा जी की बातों को छोड़ी ना जीजा, कुछ खाएंगे जीजा? बना दो। हाँ खिलाओ पकौड़े अपने जीजा को। हाँ आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे बॉबी, पुताई कब करवाई थी भाई? सालों हो गए जीजा, याद भी नहीं है। दादाजी हैं सब। क्या कर रहा है बेटा? ये क्या कर रहा है? ये असली है बेटा? ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। अरे बहू बेटा देखो, ये बबलू मुझे गोली मार रहा है। नहीं बेटा बबलू, गोली मत चलाना, दादाजी मर जाएंगे। अरे सुनो, ये भगवान दास नहीं आए अभी तक? बस आते ही होंगे जीजा, आप लीजिए ना, पकौड़े बनाओ आपके लिए। अच्छा एक काम करो, सुनो थोड़े से आलू को बना लो, और थोड़े से वो उसके बनाओ, वो बैगन है ना, बैगन के बनाओ। अच्छा, और वो पिछली बार कटहल लाए थे, थोड़े से कटहल के बना लो। बनाती हूँ। अच्छा सुनो, जो जो सब्जियां पड़ी है ना, सबके थोड़े 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 बना लो, ठीक है? बेटा बबली, कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है मूसा जी। हाई स्कूल है ना तुम्हारा? जी। सेंटर कहाँ है वो? नकल करने की बात हो तो बताओ, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। है? नहीं मूसा जी, हम नकल नहीं करेंगे, हम अपनी मेहनत से पास होंगे। बॉबी, किस पे गई है भाई ये? अपने पापा पर। अच्छा, गोली मार दूंगा। दादाजी हैं साहब, गोली मार दूंगा। अरे बहू बेटा, एक गोली चल गई तो मैं मर जाऊंगा। ओफो पापा जी, आप भी ना, एक गोली से भला कोई मरता है क्या? बेटा बबलू, गोली मत चलाना बोला ना, सिर्फ हैंड्स अप खेलो, हैंड्स अप खेलो सिर्फ। जीजा खाइए ना, लीजिए ना, और लेके आऊं? हाँ लो लो लो, लाती हूँ। कैसे बने हैं? अरे वाह, एकदम झन्नाटेदार चौकस। अरे बहू बेटा, ऐसे हटा ले, मैं कब तक ऐसे चढ़ा बैठा रहूंगा? पापा जी थोड़ी देर खेल लीजिए ना बच्चों के साथ, घर में कोई नया टॉय भी तो नहीं है? कटहल कहाँ से चुन कर लाते हो? हाँ जीजा। बॉबी, बॉबी, बॉबी। आ गए, देखिए जीजा आए हैं। दुबे जी,
क्या हाल है? बस हमारे तो वही अड्डी वही हाल है। और आप बताइए, आपके जांघे कैसे हैं? बिक बिक रहे नहीं? अजीब है, सब ठीक है। बॉबी, आज मुझे भगवान मिले। अच्छा, भगवान तो हमें मिले आज। कब? कहाँ? भगवान दास। देखिए दुबे जी, प्लीज मजाक मत कीजिए। शुरुआत किसने की? घर आते ही फालतू बातें शुरू। खन्ना साहब को देखिए, ऑफिस से घर आते हैं तो कितना समय बिताते हैं अपने परिवार वालों के साथ। हंसते बोलते हैं, खेलते कूदते हैं बच्चों के साथ। और एक आप है, कुछ चीखिए खन्ना साहब से। खन्ना साहब तो जान है जान। किसकी? अपने परिवार की और किसकी? अरे बेटा बहू, मैं कितनी देर से पुकार रहा हूँ और कब तक पुकारूं? ओहो बबलू, बेटा दादाजी को छोड़, अब पापा के साथ खेल जा। बेटा अभी मूड नहीं है मेरा खेलने का। पापा हैंड्स अप। असली है, ए, ए, ये असली गन है। हैंड्स अप। ए, कोई रोको। डिश, डिश क्या? बेटा बेटा रख दो। डिश क्या? रख दो इसको। वो बॉबी रोको उसको। थोड़ी देर खेल लीजिए ना बच्चे के साथ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं बेटा नहीं, नहीं। पापा जी बचाओ। अरे बेटा मैं खुद ही बड़ी मुश्किल से बचाऊं। बॉबी बॉबी प्लीज बोलो। अरे असली बंदूक है भाई बॉबी। अरे क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं साड़ू साहब? बंदूक एकदम खाली है भाई। खाली है? हमने जो है बंदूक से उसकी छह की छह गोलियां निकाल ली थी भाई। लेकिन ये तो पांच गोली है। छठी कहाँ? लगता है इस बंदूक में। नहीं बबलू, नहीं बेटा। अरे वाह बेटा वाह। बहू बेटा आ जाए। अरे आ जाइए पापा जी। कैसे हैं चीजें? और लाओ थोड़ी बैगन के लिए। दुबे जी, बच्चों के हाथ में असली बंदूक देना कोई मजाक है क्या? ये कोई अच्छे संस्कार नहीं है। अरे साड़ू साहब, आप भी बहुत डरते हैं। आपकी कनपट्टी पर जब असली बंदूक लगेगी ना, तब हम पूछेंगे आपसे। अरे सुनिए, कानपुर है ये, यहाँ बंदूक क्या कोई उंगली भी नहीं उठा सकता हमारी तरफ। और अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो ना, तो बोलना, इसे उठवा लेंगे। जीजा दरोगा है, आपको ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो ना तो इनसे कह दीजिएगा, उठवा लेंगे। ऑफिस में बहुत परेशानी है, एक टेंशन थी जिसके बारे में मैं। अभी कहाँ ऑफिस की बात लेकर बैठ गए, पहले जाइए चेंज करके आइए। थोड़ी देर बैठिए ना जीजा के साथ, कुछ सीखने मिलेगा, दो चार बातें। जाइए, मैं आती हूँ जीजा। आज दफ्तर में पता। अरे बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी जान बच गई। पापा जी, मजाक बना के रखा है, किसी को कोई फिक्री नहीं है। खाना खाया कि नहीं खाया, दफ्तर में क्या हुआ, सब मस्त है अपने आप में बस। भगवान, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तुम। शिवाय, शिवाय तुमने तो बुलाया भगवान का। नहीं नहीं, वो तो मेरे मुंह से निकल गया था। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज बैठो ना। वो क्या है कि कोई है ही नहीं मेरे साथ बात करने वाला, सब अपने आप में मस्त है। किससे बोलूं, क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान दास, मैं हूं ना तुम्हारी बात सुनने के लिए। क्या हुँ? नौकरी चली गई मेरी। अब किस मुंह से बताऊंगा मैं गोभी को, और कैसा लग। शिवाय,
किस मुंह से बताऊं मैं बॉबी को ये बात? क्या क्या सोचेगी वो कल जब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा? क्या बोलूंगा? छुट्टी ले ली? पर कितने दिन? एक दिन, दो दिन, चार दिन, बस उसके बाद? एक्चुअली आई डोंट बिलीव दैट आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर इन टी टू अंडरवियर बनियान इंटरनेशनल. इसे आप बाहर भी पहन सकते हैं. आपको एक बात बताऊं, मैं ना एक नंबर का गधा हूं, उल्लू का पट्टा हूं. क्या क्या जरूरत क्या थी मुझे मेल भेजने की? आई एम नॉट फूल एक्चुअली. आई एम नॉट फाइंडिंग द एग्जैक्ट वाक्य बट ए भाई साहब, अरे ये सारा किया धरा आप ही का तो है. मेरा? हाँ हाँ. हाओ? अरे हाओ क्या यार, मैं तुम्हीं ने कहा था ना अंतरात्मा की आवाज सुनो, वो मेरी आवाज होगी, तो मैंने उसी को सुन के मेल किया. क्या मिला क्या? कद्दू. नाउ स्पीक, आंसर मी. कॉटन? अबे यार कैसे इंसान, मतलब कैसे भगवान हो तुम? मैं कल से बोले जा रहा हूँ और तुम हो के कान में रुई डालकर बैठे हो, वो भी विदाउट ऑयल. यार गर्मी बहुत है भगवान दास, पंखा तो चला दो. प्रभु मेरी नौकरी चली गई और आप पंखे की बात कर रहे हैं? किसे बता रहे हो भगवान दास? मुझे तो सब पहले से ही पता है और बार बार एक ही बात. ठीक है, लेकिन भगवान आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन दिल की आवाज यानी अंतरात्मा की आवाज हमेशा सही नहीं होती. तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आप भी हमेशा सही नहीं होते. भगवान दास, तुम निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हो. हर चीज की एक नियति होती है, जीवन की एक गति होती है. भगवान अगर यही गति है ना, तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्गति है. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो. एक केला क्यों खा रहे हैं आप? और आपने जो अभी बताया वो तो कबीर का दोहा है ना, ये मुझे क्यों सुनाया? What is the connection between कबीर एंड केला? इसका क्या मतलब है? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि इसका क्या मतलब है? आप मेरी वाइफ की आवाज में क्यों बोले? क्या? बॉबी. हाँ बॉबी. बॉबी. किससे बातें कर रहे थे? इनसे. किनसे? ये वो शीशे में देखकर बात कर रहा था. अब इतनी भी अच्छी शक्ल नहीं है आपकी कि शीशे में देख के अकेले बात करो. और ये क्या हरकत हुई? हाँ, मेरे जीजा बेचारे बैठे बैठे ही घर चले गए और आप जब जब मेरे रिश्तेदार आते हैं ना तब आप अंदर आ जाते हो. आप सच्चे तो खन्ना साहब हैं, अपने इन-लॉज को कितना मानते हैं वो. ये खन्ना हमारे बीच कहाँ से आ गया? खन्ना हमारे बीच आ चुका है. When? Why? आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं. उस दिन जब मेरे मामा जी आए थे गांव से, तो आप अपने गांव ऊना चले गए थे. टीटू जी, सुनिए कोई लिफाफा देकर गया है. अब वो भी को पता चल जाएगा कि मेरी नौकरी चली गई. आपका प्रमोशन हो गया. अरे अरे मेरी तरक्की हो गई.
गई। 5,000 रुपए तनख्वाह बढ़ गई। मेरा अलग से केबिन होगा। लुधियाना से टोनी सबरवाल जी आ रहे हैं मुझे प्रमोशन लेटर देने। पापा जी मुझे असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया। बेटा बड़ी खुशी हुई बात सुनके। ऐसे ही तरक्की करता रहे। ये सब भगवान की वजह से हुआ है। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि आपकी तरक्की हो जाए और देखिए हो गई ना। पता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। बॉबी बॉबी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सब भगवान ने ही किया है। वही तो। तो फिर कल सुबह मंदिर चलिएगा मेरे साथ, बाद में ऑफिस जाइएगा। अच्छा वो मेरा ना कल नया वाला सूट निकाल देना, शादी वाला, वो पहन के जाऊंगा। नया वो शादी वाला? वही तो। कितनी बार आपसे कहा है कि एक दूसरा नया सूट सिलवा लीजिए, लेकिन आप है कि खन्ना साहब को देखिए कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सूट हैं उनके पास, और सूट कितने सूट भी करते हैं उनको। बॉबी हे भगवान, बस ऐसे ही मनोकामनाएं पूरी करते रहना, हम ऐसे ही दर्शन करने आया करेंगे। बॉबी लेट हो रहा है दफ्तर में। हाँ जी चलिए चलिए। जय भोलेनाथ। बॉबी जल्दी करो, ऑफिस में लेट हो रहा है। अरे रुकिए तो, इतनी जल्दी कहाँ? एक मिनट, पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी आया बहन जी, जल्दी आइए। लेकिन क्यों? बताती हूँ, चलिए ना। अरे क्या पंडित बात? जी अरे जूते तो पहने दो। जूते बाद में पहनेगा, देरी हो रही है, चलिए जल्दी। क्या आइए बैठ जाइए। नमस्कार। आ गए पंडित जी। हाँ हाँ ये मेरे पति हैं। पति उत्तम, इनका सर मूंड दो। जल्दी करना भाई। दे क्या बोला तुमने? सर मूंड दो? पागल हो गई हो क्या? क्या क्या बात? पूरा सर साफ कर दो। ओ माँ पवित्र पवित्र। बॉबी क्या हो गया तुम्हें? यही तो मन्नत थी ना कि आपकी जिस दिन तरक्की होगी उस दिन आप भगवान को बाल दान करेंगे। मैं बाल दान करूं? मतलब गंजा हो जाऊं? अरे आज ऑफिस में मेरा प्रमोशन है, लुधियाना से स्पेशल टोनी भी आ रहे हैं मुझसे मिलने, और मैं वहाँ गंजा होकर जाऊँ? क्यों, गंजे लोगों का प्रमोशन नहीं होता क्या? नहीं होती है, लेकिन मैं नहीं मनवा सकता। नहीं शुरू हो जाइए। एक मिनट। अरे क्या पागल हो गए क्या? रुको रुको, अगर आपने बाल दान नहीं किए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज हो जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भगवान भला क्यों? तुम? मैं यहाँ हूँ। एक मिनट। अरे सही टाइम पर आए हो भाई, देखो ना रोको ना इनको। क्या करे? किससे बातें कर रहे हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ। वो भी प्लीज ने रोको, मेरा सर मुंड रहे हैं लोग। मैं कैसे रोकू भगवान दास? मैं कैसे रोकू? ये कह रहे हैं कि तुम्हें मेरे बाल दान में चाहिए। मुझे? हाँ। मैं क्या करूंगा तुम्हारे बालों का? समझाओ समझाओ इनको। तुम्हारे जुओ डेंडरफ वाले बाल मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या अकेले अकेले इनसे बातें कर रहे हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ। देखिए भगवान को अगर बाल अर्पण नहीं किया ना तो भगवान खुश नहीं होंगे। पर बॉबी बेटा मैं इन बालों का क्या करूंगा बताओ? कुछ दुकान खोलूंगा क्या? बहन जी अनर्थ हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे बहन जी। अब बताओ क्या करूं मैं? भगवान दास तुम्हारे पास केवल दो जवाब है, एक हाँ और दूसरा ना। और अगर मैंने ना बोला तो तुम कोई अनर्थ तो नहीं करोगे? मैं कभी किसी का अनर्थ नहीं करता, मैंने ही तुम्हें बनाया है, और तुम्हारा बिगाड़ के सबसे ज्यादा दुख मुझे ही पहुंचेगा। बॉबी मैंने फैसला कर लिया है। लगता है मान गए। मैं सर नहीं मंडवाऊंगा। क्या? ये हुई ना बात? नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं मंडवाएंगे? अरे जगमा रुकिए, आपकी तरक्की इन्हीं की वजह से हुई है, भगवान की वजह से हुई है।
एक मिनट, अरे भगवान भगवान भगवान, क्या मेरी तरक्की आपकी वजह से हुई है? भगवान दास, मेहनत तुम करो, गालियां तुम खाओ, ईमानदारी तुम दिखाओ, इसमें मैं बीच में कहां से आ गया यार? इस तरक्की पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता दोस्त। ये तरक्की मेरी मेहनत और ईमानदारी की वजह से हुई है। तेरा पति पापी है। हे भगवान, आज ये पूरी करने नहीं दे रहे मन्नत, मैं इनके लिए एक और मन्नत मांगती हूँ। बम बम बोले, बम बम बोले कि जब तक ये बाल नहीं मुंडवाएंगे तब तक सिर्फ एक ही टाइम खाना खाएंगे। मुझे एक टाइम खाना खाना मंजूर है, लेकिन मैं एक भी बाल नहीं मुड़वाऊंगा। हे भगवान, क्षमा कर देना, ये अज्ञानी है। तुम्हें जब ज्ञान मिल जाए तो घर चली जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय दोस्त, सी यू। अरे आपकी शादी हुई है तभी बाल सलामत हैं आपके। एक बात बोलूं बहन जी, बुरा मत मानिएगा, आपका पति अधार्मिक है। तो इसका क्या उपाय है? एक उपाय है। क्या? शास्त्रों में दृष्टांत आया है, जो कार्य पति ना कर सके उसके स्थान पर पत्नी कर सकती है। एक काम करिए, आप बाल मुंडवा लीजिए। क्या? साल के धंधे में किसी बंदे ने भी मुझे इतना नहीं सिखाया जितना इस भगवान दास ने। एक चापलूसों की दुकान में एक ऐसा इंसान भी है जो सच बोलता है। भगवान दास, तुमने सच बोलकर मुझे रुला दिया। मैंने सोच लिया के टीटू के अंडरवियर को अब मैं और गिरने नहीं दूंगा। भगवान दास, मैं तुम्हें आज से असिस्टेंट मैनेजर बनाता हूं। जी और कालिये को जाते हुए वार्निंग देता हूं कि अब अगर आगे से टीटू का अंडरवियर गिरा तो मैं तेरा उतार लूंगा। बस मैं सबको यही कहने आया था। अब मैं चलता हूं, दिल्ली में दिल के डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट है। अब सिमी मैडम, वो प्रमोशन का लेटर। जी अस्थाना जी, वो लेटर कहाँ है? वो लेटर तो मेहता जी के पास है। मेहता जी, यू हैव लेटर। अस्थाना जी, आप हमेशा भूल जाते हो, प्रिंट आउट मैंने आपको लाने के लिए कहा था। अरे प्रिंट आउट तो रामलाल को लेकर आना था। रामलाल, वेयर इज प्रिंट आउट? प्रिंट आउट अभी निकाल के लाते हैं। अरे अब ये लाइट भी न जाने कब आएगी। कब आएगी मतलब? अभी आ जाएगी, दो मिनट में। ये कानपुर की लाइट है, इसका कोई भरोसा नहीं है। बेटा मैं ऐसा करता हूँ, दिल्ली जाके लेटर साइन करके मैं भिजवा दूँ। नहीं, आपको पता नहीं है, दो चार मिनट में आ जाती है, कई बार एक्सपीरियंस है सर। लेकिन फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आइए 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 आइए। लेकिन टेटू जी, अरे हम दिल्ली से साइन करके भिजवा देंगे। अरे चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। पापा जी चलिए। टोनी जी, ये कानपुर की लाइट जाती क्यों है?
अरे भगवो बेटा आ गए, प्रमोशन लेटर मिल गया। बस वो मिलने ही वाला था कि एन टाइम पे बिजली चली गई, तो वो प्रिंट नहीं हो पाया और फिर सिग्नेचर भी रह गए। लेकिन टोनी जी ने कहा है कि वही तो मिलता कहाँ से, मन्नत जो पूरी नहीं की इन्होंने, ये सब अनर्थ उसी की वजह से हो रहा है, नौकरी भी जा सकती है आपकी। बॉबी ऐसा क्यों बोलती हो? और नहीं तो क्या कहूँ, बबलू के टेस्ट में 0 आए हैं, वो भी सब इसी की वजह से। मत करो मन्नत पूरी। बबलू पढ़ता कहाँ है बॉबी? आप तो अब यही कहोगे ना मन्नत पूरी नहीं करनी आपको, पिछली बार कम से कम 3 मार्क्स तो आए थे 10 में से, इस बार तो वो भी नहीं, मत करो मन्नत पूरी। बॉबी, बॉबी दुबे जी आइए आइए। अरे मुबारक हो, सुना है आपका प्रमोशन हो गया है। नहीं वो हुआ नहीं है जीजा, होते होते रह गया है। कैसे? मन्नत जो पूरी नहीं की, सूरन लाए हो? अरे हाँ, लो लो लो। कुछ लेके आए, बनाए क्या? हाँ बनाई लो, क्योंकि मटका बहुत अप्रसन्न है। हाँ जी, लाती हूँ। साडू साहब, हमें तो आज आप भी कुछ अप्रसन्न से दिखाई दे रहे हैं। लीजिए जीजा, खाइए। क्या बात है जीजा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? और ये गाल पर निशान कैसा? क्या हुआ? 15 साल की नौकरी में आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या? अरे आज एक आदमी 500 निकालो, 500। अरे दरोगा जी, अब तो खुलेआम रिश्वत मांग रहे। अबे खुलेआम नहीं मांगे तो क्या चुपके मांगे बे? ठीक है दे रहा। अरे पर्पल का वहाँ कहाँ? ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आज तक 15 साल में मेरे गोवर्धन जीजा को कंटाप मारने की हिम्मत पूरे कानपुर में किसी की नहीं हुई। अगर मन्नत पूरी की होती ना तो ये अनर्थ ना होता। आपका ये अनर्थ धीरे धीरे मेरे पूरे परिवार वालों तक पहुंच चुका है। पता नहीं अब क्या क्या देखना बाकी है। चलो जीजा अंदर चलो, गाल पर लगा देती हूँ मरहम। चलो चलो संभाल के। हाँ बबलू बेटा देखो, मैंने पतंग लूट ली है। अरे बबलू हम मर गया ने बाबू। पापा जी मर गया। पापा जी। अरे मेरा पैर कैसे गिर गया? ओए ने बस बस। अरे मेरी कमर। चलिए पापा जी बस कीजिए आप, ये सब आपकी मन्नत ना पूरी करने की वजह से हो रहा है। और करिए भगवान को नाराज। खन्ना साहब को देखिए, किसी को नाराज करते हैं क्या वो? और एक आप है कि हे भगवान, ये मेरे पति अज्ञानी हैं। हाँ आओ और इन्हें रास्ता दिखाओ, आकर हमारे परिवार को अनर्थ से बचाओ भगवान। अरे छोड़िए आप, चलिए आराम से। चलो बेटा धीरे धीरे। हाँ देखिए मिसेज विंध्यवासिनी जी उर्फ बॉबी जी, मैं क्यों मुंडवाऊं सर? मुझसे पूछकर मन्नत मांगी थी क्या तुमने? और अगर मन्नत मांगनी ही थी तो मूछ मूछ मुड़वाने की मांग लेती, ये सर ही क्यों? और अगर सर ही मुड़वाने की मन्नत मांगनी थी तो अपना सर मुड़वाने की मन्नत क्यों नहीं मांगी? अनर्थ हो जाएगा। अरे हो जाने दो अनर्थ, लेकिन मैं एक बाल भी नहीं कटवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों भाई साहब? इतने बारिश के मौसम में अब क्या बताएं भगवान, जिंदगी जो है ना कसम से ये सब घोल टाइप हो गई है यार। भाई एक बात बताओ, एक मन्नत पूरी ना करने पर आप इतने अनर्थ करते हो? मैं सौदेबाज नहीं, धंधा नहीं आता मुझे, हिसाब किताब तो तुम मनुष्य लोग करते हो। मैं दोस्त, माँ, पिता और आज तक कोई माँ बाप का दिया लौटा पाया है? तो फिर एक साथ इतने सारे अनर्थ क्यों? एक बात बताओ यार, कानपुर में बिजली पहली बार गई है? नहीं। तुम्हारा बेटा दिन भर खेलता रहता है, पढ़ता नहीं है, तो 0 तो लाए गई।
और तुम्हारा साडू लोगों से रिश्वत लेता है, उसे तो कब का पिट जाना चाहिए था। तो पिताजी का क्या कसूर था? बच्चों की तरह उछल उछल के पतंग लूट रहे थे। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में इमरान हाशमी बनेंगे तो क्या होगा? तो मतलब इन सारी बातों से आपका कोई लेना देना नहीं? मेरा काम सिर्फ देना है, लेना नहीं। पता है शिवाय, मेरी पत्नी क्या सोचती है? वो सोचती है क्योंकि मैंने मन्नत पूरी नहीं की इसीलिए ये सारे अनर्थ हो रहे हैं। अब उसे भी क्या बोलूं मैं? तो अब तुम क्या करोगे भगवान दास? हाँ, क्या क्या करूं मैं? बाल मुंडवा लो। हाँ, नहीं नहीं भगवान, I can't imagine myself as गंजा यार। तो मत मुंडवा। यार कंफ्यूज मत करो यार, एक बात कहो। एक बात तो तुम्हें चुननी है भगवान दास। मैंने तो तुम्हें दो जवाब दिए हैं, एक सही और दूसरा गलत।